Good morning to everyone. How are you all? I hope you are fit and fine wherever you are. So today again we are back with the poster. आज हम वापस पोस्टर के साथ हैं. आज मैं आपको एक और पोस्टर बनाना सिखा रहा हूँ. जैसा मैंने पहले कहा था कि बहुत सारे रिलेवेंट टॉपिक हैं जो सोसाइटी से डायरेक्टली संबंध रखते हैं और सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सारे पोस्टर्स बनाना आना चाहिए. और एग्जामिनेशन में हमें आंसर शीट पे बनाना है, इसीलिए हमें वहाँ पर कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं करना होता है. सिर्फ ये दिखाने के लिए एग्जामिनर को कि पोस्टर बनाना आता है आपको, आप उसका आकार वैसा ही देते हैं. और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हमें इंक को ही थोड़ा सा डार्क करके लिखना होता है, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि इसे पता है कि पोस्टर जब भी बनाया जाएगा बोल्ड लेटर्स में बनाया जाएगा, बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, जिससे कि दूर से ही वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके. और साथ में जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमें स्लोगन्स यूज़ करना चाहिए पोस्टर में, और ऐसे स्लोगन यूज़ करना चाहिए कि जो बिल्कुल दिमाग में लोगों के स्ट्राइक करे और अवेयरनेस फैले. तो उसी क्रम में आज मैंने बहुत ही हॉट टॉपिक लिया है, सेव द गर्ल चाइल्ड. व्हाई? बिकॉज यू मे बी नोइंग द रेशियो ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज डिक्रीजिंग डे बाय डे एंड सम स्टेट्स द कंडीशन इज रियली अलार्मिंग. उसमें हरियाणा तो है ही और राजस्थान का भी नाम है. काफ़ी प्रयासों के बाद में अभी कुछ परसेंटेज बढ़ना शुरू हुआ है, इसीलिए अभी भी ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया ही जा रहा है और इसी वजह से एग्ज़ाम में इसके आने की संभावना बनी रहती है. तो देखते हैं मैंने क्या बनाया है और क्यों बनाया है. इस प्रकार से जैसा मैंने आपको कहा था कि जो भी टॉपिक होता है जनरली उससे ही हम शुरुआत करते हैं. तो जैसे टॉपिक क्या है, सेव द गर्ल चाइल्ड, अपने आप में एक स्लोगन भी है ये. उसके बाद में मैंने एक और लिखा है, वो भी स्लोगन की तरह ही बन गया है, ए गर्ल चाइल्ड इज एज प्रेशियस एज बॉय चाइल्ड. यानी कि लड़की भी उतनी ही कीमती है, यानी उसका भी उतना ही महत्व है जितना लड़के का. क्योंकि हमारे भारत के अंदर ऐसी एक परंपरा रही है कि लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता रहा है फैमिली में, और अभी भी आप देख सकते हो. लेकिन अब स्थितियाँ बदल रही है, लड़की और लड़के एक समान माने जाते हैं, लड़कियाँ भी हर फील्ड में बिल्कुल लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है. और अब तो ऐसा हो चुका है कि वैसी सर्विसेज जहाँ पर पहले गर्ल्स के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसी सर्विसेज में भी गर्ल्स आ चुकी है. गर्ल्स BSF में है, गर्ल्स पुलिस में है, गर्ल्स CRPF में है, और गर्ल्स अब तो आर्मी, एयर फोर्स, नेवी में भी है, और लास्टली अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हें फाइटर विमान उड़ाने के ही भी परमिशन दी जा चुकी है. और इसीलिए अब अवेयरनेस और ज़्यादा फैल रहा है लोगों में, और उस अवेयरनेस को और फैलाने के लिए अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है. तो वापस हम पोस्टर पे आते हैं. मैंने ये महत्व बता दिया क्यों ये पोस्टर हमें बनाना आना चाहिए और क्यों एग्जामिनर इसको आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम के अंदर. और इक्वली है ये टेंथ में तो ये आता नहीं है, लेकिन ट्वेल्थ में आपके CBSE पैटर्न हो या RBSE पैटर्न हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी में भी आ सकता है. कुछ जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके अंदर छोटे बच्चों से भी पोस्टर बनवाए जाते हैं उनके भी पाठ्यक्रम में. ऑल टुगेदर अगर आप एकेडमिक्स में हैं तब तो ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, और वैसे नहीं है और अगर मान लो वीडियो देख रहे हैं तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम में आप भी इस पोस्टर को बना के अवेयरनेस फैला सकते हैं. तो मल्टीपल रोल है इस पोस्टर का. तो मैंने सेकंड लाइन आपको पढ़ के बताई थी कि लड़की भी उतनी ही कीमती है जितना कि लड़का, इसीलिए लेट देम एन्जॉय देयर चाइल्डहुड, उनको उनका बचपन को आनंद लेने दें. क्या होता है कि घर के अंदर लड़कियों को इतना महत्व नहीं देते हैं जैसा परंपरा रही है, तो वो अपना चाइल्डहुड इतना अच्छी तरह से एन्जॉय नहीं कर सकते हैं. तो ये प्रेरित करने के लिए पेरेंट्स को कि भाई उनको भी उतनी लिबर्टी दो जितना लड़कों को आप देते हो, और उनको भी अपना बचपन जो है अच्छी तरीके से जीने दो. तो इस लाइन का मतलब ये हो गया. और छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं. नरिश देम, नरिश का मतलब क्या होता है, पालना पोषना, अच्छी तरह से पालन पोषण को बोलते हैं नरिश, नरिशमेंट.
उसी से वर्ड लिया गया है नरिश। तो नरिश देम, लव देम, प्यार दें उनको, मेक देम इंडिपेंडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको आत्मनिर्भर बनाएं। लड़कियां अगर आत्मनिर्भर हो जाती है तो फिर वो जीवन को अच्छी तरीके से जी पाती है, इसीलिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एजुकेट देम, और इंडिपेंडेंट कब बनेगी, जब उनको हम शिक्षित करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं छोटे छोटे। उसके बाद में और दो सजेशन है यहाँ पे जो दे दिया गया है, डोंट किल देम। ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि जन्मते ही लड़की होती है तो उसको गला दबा के मार देते हैं, ऐसी कुछ परंपराएं रही है। इसीलिए बर्थ इज देयर राइट, मतलब उनका जन्म लेने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि जन्म से पहले भी कई बार एबॉर्शन करवा देते हैं, उनको मार डालते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। सो फॉर दैट पर्पज ओनली दिस टू पॉइंट्स आर गिवन। आई होप आपको यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मैं बहुत ही अच्छा पेंटर नहीं हूँ, बल्कि नहीं हूँ, आई डोंट नो हाउ टू पेंट, आई कैन स्केच बट नॉट टू पेंट। तो भी मैंने एक छोटा सा बना दिया, और ये ही क्यों बनाया, मैं पूरा भी बना सकता था। ये एक सिंबल है जो मैंने कई बार पोस्टर्स में देखा है, दो चोटी और एक बीच में चेहरा लड़की का, एक सिंबल बन गया ये सेव द गर्ल चाइल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम का। तो वही मैंने बनाने की कोशिश की, आप भी बना सकते हैं, और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो और बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद में ये एक स्लोगन है जो कि बिल्कुल एक इनकरेजमेंट वर्ड्स हैं, जो आप देखें तो ये जो लाइन बनकर उभरी है ये बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है। यू एजुकेट ए गर्ल टूडे, अगर आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं, आज का मतलब वर्तमान में, सी विल एजुकेट योर होल फैमिली टुमारो, कल वो आपके पूरे परिवार को शिक्षित करेगी। क्या मतलब है, क्योंकि हर एक लड़की बाद में मदर बनती है, मदर के बाद में उनके बच्चे, और इसीलिए अगर माँ शिक्षित होती है तो बच्चों को वो शिक्षित कर लेती है। और ऐसा भी कहा ही गया है, मदर इज़ फर्स्ट टीचर ऑफ एनी चिल्ड्रन, कोई भी बच्चा उसकी जो पहली शिक्षक या शिक्षिका होती है वो माँ ही होती है। ये हमारे पौराणिक चीज़ें भी है, उसी को अंग्रेजी वर्जन में लिखा गया है। तो ये आपका पोस्टर तैयार हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देयर इज़ नथिंग मच इन दिस, लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। सो इफ एनीवन हैज़ क्रिएटिविटी दे कैन वेरी वेल ड्रॉ दिस एंड यू कैन फेच फुल मार्क्स। और आपको पता होगा ये 4 मार्क्स का आता है, सो यू कैन स्कोर 4 out of 4। और लास्ट में जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो भी पोस्टर जारी करता है वो एजेंसी का नाम यहाँ पे आना चाहिए। और यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इशूड बाई चाइल्ड वेलफेयर क्लब जालोर, बाल कल्याण क्लब है कोई जालोर, उसने ये पोस्टर जारी किया है। विद दैट टुडे आई कंक्लूड दिस क्लास, आई होप यू ऑल आर वॉचिंग आवर वीडियोज, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, शेयर ऑल्सो and tell others also to share, and if you like press the like button also. Thank you very much, have a nice day, thank you.